टू माई ब्लॉग गॉसिप क्वीन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इडली की रेसिपी जो मेरे घर में बनती है। जैसे बनती है मैं उस स्टाइल से आपको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन्हें रेसिपी पसंद आए उसे लाइक भी करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आगे देखते हैं वीडियो और देखते हैं सबसे पहले सामग्री। इडली बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए रवा, क्योंकि हम रवा इडली बना रहे हैं इसीलिए हमें रवा चाहिए। रवा और रवा मतलब सूजी, कहीं कहीं इसे सूजी भी कहते हैं, कहीं कहीं रवा कहते हैं। तो ये हमें चाहिए, और एक कटोरी दही चाहिए। दही भी बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा खट्टापन आता है, थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है इडली और खाने में। और हमें इनो भी चाहिए। इनो आप एक पैकेट ले सकते हैं, बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा इनो नहीं लेना। अगर ज़्यादा भी है तो भी आपको एक इनो, या मम्मी इसमें हो सके आधा भी डाले तो आपको इनो ले लेना है। और हल्का सा नमक भी पड़ेगा, तो वो जब बैटर तैयार होगा तब नमक पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आपको बैटर दिखाती हूँ मैं कि कैसा लगता है इसका बैटर। देखिए सूजी और दही का बैटर हमने तैयार कर लिया है। इसे थोड़ी देर हम लोगों ने 15 मिनट तक इसे कम से कम भिगा के रख लिया था। अब इसमें पड़ेगा नमक और इनो। ये देखिए दोस्तों, जब ये भीगने के बाद इसका ऐसा कंसिस्टेंसी होता है। पर इसमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा हमें, थोड़ा और गीला करने के लिए। ये इनो डाल दिया गया है, पूरा एक पैकेट इनो पड़ गया है। इससे थोड़ा फ्लफी बनेगा। देखिए दोस्तों, इसमें पानी मिला दिया गया है, इसे थोड़ा चला दिया जाएगा। अच्छे से इसे मिला लेना है। ये देखिए दोस्तों, बैटर हो गया है रेडी एकदम। अब इसे हम डालेंगे इसमें इडली स्टैंड में। एक से दो चम्मच ही डालना है गाइस, नहीं तो ये ज़्यादा बाहर निकल के फैल जाएगा जब ये फूलेगा। तो ज़्यादा नहीं डालना है, आप अपने इडली स्टैंड के हिसाब से जितना बड़ा आपका होगा आप उस हिसाब से ही डालें। हमारा छोटा है तो हम इसमें एक से डेढ़ चम्मच ही डाल रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा हमने पहले ऑयल भी लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं, आराम से निकल जाए जब ये बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई में हमने पानी थोड़ा सा लेके गरम कर लिया है स्टीम बनने के लिए। अब इस पे हम लोग रख देंगे इडली स्टैंड को। इसमें एक और प्लेट पड़ेगी और फिर इसे ढक दिया जाएगा। गैस को थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा ताकि भाप अच्छे से बने, और पानी देखिएगा जलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर भाप कैसे बनेगा। दोस्तों इडली कैसे फूल गई है, मतलब ये अब पक चुकी है। पर इसे चेक करने का एक और तरीका है, चाकू ले लीजिए, उसे इसके अंदर घुसा दीजिए और निकालिए। अगर ये इसमें कुछ भी बैटर आपको चिपका हुआ ना मिले तो मतलब कि ये पक गई है। अगर ये चिपक जाएगा तो समझिए अभी नहीं पकी, लेकिन ये पक गई, बहुत आराम से निकल गई है। तो अब ये इडली बनके हमारी तैयार हो चुकी है। तो आइए इसे प्लेट पे सर्व करके मैं आपको। देखिए दोस्तों, हमारी इडली बनके रेडी है। ये सांभर है, और इडली देखिए कितनी फूली हुई बनी है दोस्तों। देखिए सूजी की है लेकिन कितनी फूली हुई बनी है, कितनी टेस्टी लग रही है दोस्तों। इसे तोड़ के हम दिखाते हैं कि कितनी ये स्पंजी बनी है। देखिए कितनी यमी लग रही है, कितनी फ्लफी लग रही है। ये देखिए दोस्तों, इडली एकदम तैयार है। ऐसे दिखाती हूँ, वाओ सो यमी, आई जस्ट लव इडली। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी है। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को
अपना प्यार देते रहिए, मेरे शॉर्ट्स को भी आप बहुत प्यार देते हैं, शॉर्ट्स को देते हैं उतना प्यार मेरे वीडियोस को भी दीजिए। प्लीज लाइक कीजिए अगर रेसिपी पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ मैं आपसे कल किसी नई रेसिपी या ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।